हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैम्स कैम स्कूल। आज मैं आप लोगों के लिए सबके लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स जो चलने वाला है कुछ फॉर अ कपल ऑफ डेज से अराउंड 15 टू 16 डेज का ये कोर्स होने वाला है और इसमें मैं बेसिक ग्रामर या बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत ही ईजी हो जाएगा इसे हम सब के लिए इंग्लिश को एक बार सीखना, उसको क्विकली रिवाइज करना और जो लोग बहुत स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये कोर्स। तो मैं ये छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, डेली अपलोड करूंगी और उसके हेल्प से उसको जब आप डेली देखेंगे, उसको रिपीट करेंगे, एग्जैक्टली एज आई सेड कि आप सबसे पहले उसको सुनिए अच्छे से, थोड़ा सा उसको रिपीट करिए और थोड़ा सा उसको बोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे डेली, उसको एक रिवीजन की तरह हम अगर उसको लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये छोटा सा 15 से 16 दिन का ये सफर, एक जर्नी जो मैंने स्टार्ट करी है। तो आई वेलकम यू ऑल टू दिस जर्नी ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स एंड टुडे इज डे 1 एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। And please don't forget to watch the full video and like it if you enjoy it. Okay? तो पहली चीज जो हम अपने basic English grammar के course में start करने जा रहे हैं, उसमें जो मैं आपको समझाती हूँ वो ये है। आज मैंने start किया है कुछ basic और important words के साथ, जो words हम नहीं छोड़ सकते सीखे बिना और जिसके बिना हम अपना course शुरू नहीं कर सकते। तो वो वर्ड्स मैं आपको पहले की कुछ दो या तीन वीडियोस में वो सारे वर्ड्स कवर करने की कोशिश करूंगी। आज जो हम वर्ड्स देखेंगे वो होंगे ये वर्ड्स, ठीक है? बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, सबको इसका यूजेज भी पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कभी कभी गलत कर देते हैं जिसकी वजह से सारी इंग्लिश मेस्ड अप हो जाती है हमारी। तो ये है उनको वर्ड्स और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको उनके मीनिंग्स और फिर वो कहाँ यूज होते हैं, किन किन चीजों के साथ यूज होते हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस होती हैं उनकी। फोर्थ चीज जो है वो होंगे उनके एग्जांपल्स, ठीक है? एग्जांपल्स से समझना बहुत इजी हो जाएगा और एग्जांपल समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हम सबको भी पता है ये चीज। तो लेट्स स्टार्ट विद एम, ए एम एम, इसको पढ़ते हैं ए एम एम, एम यानी कि हूं, ओके? I S is, alright? Is यानी कि है, is I S is, is नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे is, the is, okay? Is यानी कि है। तीसरा वर्ड है R, A R E R, okay? R बोलेंगे, अब हम पूरा R नहीं बोलेंगे इसे, A R E R। तो देखिए सिर्फ वर्ड्स को समझना, उनका यूज, उनका मतलब ही ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें उनको प्रोनाउंस कैसे करना है। जब हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उनके प्रोनंसिएशन पे भी उतना ही ध्यान देंगे जितना उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके यूजेज पे देना है, ठीक है? तो हम इसे ए आर ई, जब आर है तो इसके अंदर आर बोलना है, कोई कंपल्सरी नहीं है, ये हमें बोलना है आर, इसका आर आपको सुनाई नहीं देना चाहिए, ऑलराइट? आपको खुद को नहीं सुनाई देना चाहिए तो आप कभी गलत नहीं बोलेंगे, ए आर ई आर, ओके? सो आर मींस है, जब एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात होती है तब हम यूज करते हैं ए आर ई आर। अब नेक्स्ट चीज जो समझनी है वो ये है कि एम, इज और आर, ये तीनों वर्ड्स हमारे यूज होते हैं कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। सब बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, अंडरस्टूड? नेक्स्ट वर्ड है हमारे वॉज वर्ड, तो वॉज और वर्ड, वॉज का मतलब होता है था, वॉज का मतलब होता है था, जब हम बात करनी होती है ना पास्ट टेंस के बारे में, ऐसा हुआ था तब हम कहते हैं वॉज, और वर्ब भी यूज होता है पास्ट टेंस के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं अच्छे से नॉलेज के लिए कि वॉज भी और वर्ब भी यूज होता है पास्ट टेंस में, ओके? वॉज एंड वर आर यूज विद पास्ट टेंस। वॉज का मतलब होता है था और वर्ब का मतलब होता है थे। जब ज्यादा चीजों के बारे में बताना होता है कि बहुत सारी चीजें थी पास्ट टेंस में थी, तब हमें कहना होता है वर, ओके?
नेक्स्ट वर्ड्स है हमारे विल बी एंड शैल बी। तो ये दोनों वर्ड्स हमारे यूज होते हैं फॉर फ्यूचर टेंस। जब हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में, आगे के बारे में बात करते हैं, तब हम कहते हैं विल बी शैल बी। अपने सेंटेंसेस में ये वर्ड्स को यूज करते हैं विल बी एंड शैल बी। ओके, अब इनके मीनिंग भी हमने देख लिए। का मतलब होता है हूँ। जब हमें कहना होता है अपने सेंटेंस में वो वर्ड हूँ, तब हम यूज करते हैं एम। जब हमें सेंटेंस में यूज करना होता है, तब हम कहते हैं आई एस इज। ओके, जो हमें सेंटेंस में कहना होता है बहुत सारी चीजें हैं, तो हम कहते हैं आर। जब हम कहते हैं था, तो कहना होता है वॉज। जब बहुत सारी चीजें होती है थे, बहुत सारी चीजें थी या थे, तो कहेंगे वर्ड। नेक्स्ट इज विल बी। तो विल बी और शैल बी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो के एंड में। उसके लिए आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो टिप बहुत इम्पोर्टेंट है। सीख रहे हैं तो सब कुछ ही सीखेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए विल बी और शैल बी जो यूज होते हैं, उन दोनों के जो मीनिंग्स होते हैं वो सेम होते हैं, होगा होगी होंगे, होगा होगी होंगे। ओके, ये दोनों के मीनिंग्स जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इनके यूजेज पे, कि क्या चीज किसके साथ यूज होती है या कब यूज होती है। तो उसके लिए हम कहेंगे एम। एम यूज होता है ओनली विद आई। एम किसके साथ यूज होता है? हमेशा आई के साथ ही यूज होता है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए ये दोनों हमेशा साथ में ही यूज होते हैं, कभी भी अलग नहीं यूज होंगे। नेक्स्ट इज होता है यूज हमेशा सिंगुलर के साथ। ठीक है, कभी भी हम प्लूरल के साथ इज यूज नहीं करेंगे। इज ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर। आर हमेशा प्लूरल चीजों के साथ यूज होता है। जब बहुत सारी चीजें होती है, बहुवचन होता है, तब हमें बात करनी होती है, तब हम कहते हैं आर। ओके, सेंटेंस में लगा देते हैं आर। नेक्स्ट है वॉज, पास्ट टेंस में, तो कहेंगे हम यूज करेंगे विद सिंगुलर ओनली, सिर्फ सिंगुलर चीजों के साथ यूज करेंगे वॉज को। नेक्स्ट है वर। वर यूज करेंगे हमेशा विद प्लूरल चीजों के साथ। ओके, ऑलवेज विद प्लूरल थिंग्स वी विल यूज वर। ओके, नेक्स्ट है विल बी, यानी होगा होगी होंगे, वो हम हमेशा यूज करेंगे दोनों चीजों के साथ, यानी कि सबके साथ यूज होता है विल बी, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ओके, नेक्स्ट इज शैल बी। तो शैल बी जो है वो यूज होगा आई एंड वी के साथ एक्सेप्शनली। ओके, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ ही हमेशा यूज होगा, और विल बी हमेशा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा। अब देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। एम, एम का यूज है आई एम अ गर्ल। मैंने आपको बताया था ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आई एंड एम, इसलिए दोनों हमेशा साथ में यूज होंगे। आई एम अ गर्ल, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, आई एम 18 इयर्स ओल्ड। ऑलराइट, आई एम जब मैं हूं के बारे में बताना है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताना है, आई एम, आप अपना नाम बता सकते हैं, आई एम माया, आई एम राजा, एनीथिंग। नेक्स्ट इज, तो इज को हम यूज ऐसे देखेंगे, ही इज राजा, या तो प्रोनाउन या नाउन किसी के भी साथ हम यूज करेंगे इसे, इज विद सिंगुलर ओनली। कैसे? ही इज राजा, या माया इज फैट, या रोहित इज अ गुड बॉय। ओके, नेक्स्ट इज आर। आर के यूजेज के लिए हम देखेंगे, हमें प्लूरल के साथ यूज करना है, प्लूरल होता है दे। दे यानी कि बहुत सारे लोग, जब हमें ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे, हम सबके नाम एक एक करके नहीं ले सकते, हम इकट्ठा बोल देते हैं दे। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए बोल देंगे दे, यानी कि दे आर हैप्पी, दे आर गुड, दे आर स्वीट, यू आर स्वीट। ओके, माई फ्रेंड्स आर हैप्पी, मेरे फ्रेंड्स खुश हैं। अभी हम नेक्स्ट आते हैं, वो है वॉज।
तो वॉज ये का मतलब होता है था और वो यूज होता है सिंगुलर के साथ और उसका एग्जाम्पल है आई वॉज एब्सेंट, मैं एब्सेंट थी, मैं एब्सेंट थी। अब ये नहीं पता, हमने ये नहीं कह रहे हैं अपने पूरे सेंटेंस में, हमने नहीं बताया है कि आज थी, कल थी, कभी थी, नहीं, आई वॉज एब्सेंट, मैं एब्सेंट थी। वॉज, ही वॉज क्राइंग, आई के भी साथ, ही के भी साथ हम यूज कर सकते हैं, ही के भी साथ, इट, वॉज, किसी के भी साथ, बट सिंगुलर होना चाहिए। हम आई अपना, हम अपना वॉज यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इज वर, तो वर यूज करेंगे ओनली विद प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल दे वर हैप्पी, बहुत सारे लोग, दे वर हैप्पी, माय फ्रेंड्स वर हैप्पी, यू वर हैप्पी, यू वर हैप्पी। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट इज विल बी, अब विल बी के बारे में बात होगी तो आपको बताया था मैंने कि सब चीजों के साथ यूज होता है, सिंगुलर भी एज वेल एज प्लूरल भी। तो इसके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल लिखा है कि इसमें सब कवर हो जाएगा, ही, शी, इट, दे विल बी हैप्पी। ओके, एवरीथिंग मैंने एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ लिख दिया है कि ही विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी, इट विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी। नेक्स्ट है शैल बी, तो शैल बी जो है वो यूज होगा आई और वी के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, और इसके लिए हम बोलेंगे आई शैल बी हियर, शैल बी हियर। ओके, तो ये रहे वो कुछ वर्ड्स, कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिनका यूज है ये। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो का एंड है ऑलमोस्ट, तो मैं आपको इस एंड में ये बताना चाहती हूँ विल बी और शैल बी का प्रॉपर जो एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो सिर्फ इतना है कि इसको हम इनफॉर्मली बोल देते हैं अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के साथ, लेकिन जब हमें बहुत फॉर्मल वे में बोलना होता है तब हम शैल बी यूज करते हैं। मैंने लिख भी दिया यहाँ पर कि इट इज यूज एज एन ऑफर और सजेशन, जब किसी ऑफर या सजेशन के बारे में बात करते हैं या देना होता है या कुछ ऑफर करना होता है, तो उस टाइम पे हम शैल को एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, शैल आई डू दिस फॉर यू प्लीज, ओके, ऐसे करके। तो दिस इज द ओनली माइन्यूट डिफरेंस जो होता है, और ज्यादातर विल बी एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ होता है, एंड इट इज यूज्ड बहुत फॉर्मल वे में, बहुत पोलाइटली, जब हमें किसी से कुछ कहना होता है तब हम शैल बी को यूज करते हैं। तो बेसिकली यही एक छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज इन दोनों के बीच में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो ये है कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमें बहुत काम आएंगे जब हम अपने कोर्स में आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और दिस इज इट फॉर टुडे, मैं कल को कुछ नए वर्ड्स लेकर आऊंगी जो बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट हम सबको पता भी होता है, लेकिन उन सबका यूजेज भी पता चल जाए, हम उन वर्ड्स के साथ इन वर्ड्स को भी कंबाइन करके यूज करेंगे और कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस भी देखेंगे एज एग्जाम्पल्स, तो हमारा ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इफ यू लाइक इट प्लीज इसको थम्स अप दे दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियोस ऑफ चैम्स कैम स्कूल। ओके, टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।